Assalamu alaikum and good evening from the business desk of the correspondent.pk. So let's begin with the stock market's behavior today. कल मार्केट में एक बेरिश डे देखा गया जिसमें के 550 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई थी. आज ओपनिंग के टाइम पे मार्केट ने कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्ड किया और मार्केट पॉजिटिव जोन में ओपन हुई और फॉर इनिशियल फ्यू मिनट्स मार्केट पॉजिटिव जोन में रही. 130-131 पॉइंट का इजाफा भी देखा गया लेकिन वॉल्यूम बहुत थिन थे, ड्राई वॉल्यूम्स थे, तो एज सच कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी जब मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड हो रही थी. लेकिन कुछ ही देर में मार्केट में सेलिंग आना शुरू हुई और मार्केट नेगेटिव जोन में एंटर हो गई. उसके बाद थ्रू आउट द डे मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया और वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली कम थे, लोअर साइड पे थे और मिड डे तक तो ऐसे ही रहा. इनफैक्ट आखिरी एक घंटे में मार्केट में कुछ सिलेक्टेड हमें बाइंग देखने में आई जिसमें TRG, नेटसोल, TPL प्रॉपर्टीज़, दीवान फारूक मोटर्स, तो ये 4-5 कंपनीज ऐसी थी जिनमें आखिरी एक घंटे में प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव रहा और वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली इंक्रीज हुए. दीवान फारूक मोटर अपनी अपर लिमिट पे क्लोज हुआ जबकि TPL प्रॉपर्टीज़ भी तकरीबन 4-4.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ. एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में 73 पॉइंट्स की कमी देखी गई और ये 41,540 के लेवल पे क्लोज हुई. अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो ये 131 मिलियन शेयर्स रहा. इसमें डे ऑन डे बेसिस 4% का इंक्रीज देखने में आया जबकि ट्रेडेड वैल्यू 3.89 बिलियन रुपीस की रही. इसमें 20% का इंक्रीज देखा गया डे ऑन डे बेसिस और मार्केट कैपिटलाइजेशन में 31 बिलियन रुपीस की कमी देखी गई. वॉल्यूम चार्ट्स की बात करें तो दीवान सीमेंट 11.2 मिलियन शेयर्स के साथ टॉप पर रहा. सेकंड पे WTL में 9.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए जबकि दीवान फारूक मोटर्स में भी 9.8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. टोटल कंपनीज जो ट्रेड हुई वो 326 थी. उसमें से 112 कंपनीज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 186 क्लोज्ड नेगेटिव जबकि 28 कंपनीज रिमेंड अनचेंज्ड. गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी नहीं है और उसकी जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है तो सिलेक्टेड इंटरेस्ट ज़रूर देखने में आता है मार्केट में और कुछ आज भी ऐसा ही हुआ कि सर्टन स्क्रिप्ट थे जिनमें कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखा गया. तो अभी गोइंग फॉरवर्ड मार्केट थोड़ी सी रेंज में स्टक ही लगती है और सिलेक्टेड इंटरेस्ट ही देखा जाएगा अगले कुछ दिनों में. इंटरनेशनल मार्केट्स में US मार्केट्स में एक बेरिश ट्रेंड देखा गया. 1.5-2% की कमी हुई US मार्केट्स में. एशियन मार्केट्स कुछ स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुई जबकि यूरोपियन मार्केट्स में 0.2-0.5% की कमी देखी जा रही है एज ऑफ नाउ. क्रूड ऑयल में कल ये $80 के ऊपर ट्रेड हो रहा था बट कल रात में एक सेल ऑफ आया और ये 80 भी ब्रेक किया और उसके बाद $77 तक ट्रेड हुआ और एज वी स्पीक तो ये $76 पर बैरल ट्रेड हो रहा है. और उसकी रीज़न ये है कि US का कुछ डेटा आया है जिससे एक फियर ये बढ़ गया है कि फेडरल रिज़र्व अपनी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट फिर इंक्रीज करने जा रही है. तो इस फियर की वजह से ऑयल की डिमांड कम हो जाती है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, तो उस वजह से ऑयल में एक सेल ऑफ देखा गया है. पाक रुपी और US डॉलर की बात करें तो आज एक नैरो रेंज में ट्रेड हुआ और एट द डे एंड इंटरबैंक 20 पैसे की कमी के साथ 224 रुपये और 11 पैसे पे पाक रुपी क्लोज हुआ. ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट SN इकबाल ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो फ्लड से अभी तक का एस्टिमेटेड डैमेज है वो तकरीबन $46 बिलियन तक हो चुका है और अभी भी उसका मजीद अंदाज़ा लगाया जा रहा है बट ये उन्होंने अभी तक के नंबर की बात की है.
इसके अलावा जो हैं रिफाइनरीज हैं उन्होंने एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए HSFO को, जो कि हाई सल्फर फ्यूल ऑयल है, और ये यूजुअली पावर प्लांट्स इनसे प्रोक्योर करते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए जो ये अपनी एक कोशिश कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि पावर प्लांट्स ने प्रोक्योरमेंट को रोक दिया है और रिफाइनरी से HSFO नहीं बाय कर रही बिकॉज ऑफ द लो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द विंटर सीजन। सो लेट्स सी कि ये रिफाइनरीज किस हद तक कामयाब होती हैं एक्सपोर्ट करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।